नमस्कार दोस्तों, दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसे कि आपको बता दूं मैं कि हमारे जो सूचना एवं संचार प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर ने, उन्होंने डीटीएच ऑपरेटर को और केबल ऑपरेटर को एक निर्देश जारी कर दिया है। उस निर्देश के अंदर उन्होंने सख्त से सख्त ये मान लीजिए आदेश पारित किए हैं कि डीटीएच ऑपरेटर को और हमारे केबल ऑपरेटर को डीडी फ्री डिश के 24 चैनल हमारे दिखाने अनिवार्य है। अगर वो इस प्रकार से ये 24 चैनल का प्रसारण नहीं करता अपने डीटीएच के ऊपर या अपने केबल ऑपरेटर के ऊपर, तो उनके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि ट्राई का जो रूल है उसको भी एक प्रकार से मान लीजिए मात दे दी है सरकार ने, उसके रूल को भी मानने से इनकार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, कौन से ये चैनल है और क्या इन चैनल के ऊपर हमारे डीटीएच का असर होने वाला है, ये सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा कि वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, डीडी फ्री डिश के जो 24 चैनल है जो कोई हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, वो अब हमें सभी डीटीएच ऑपरेटर के ऊपर, जो भी प्राइवेट डीटीएच है या फिर हमारे केबल ऑपरेटर है, वो उन सभी के ऊपर हमें देखने को मिलने वाले। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ ये साफ कर दिया है कि सभी डीटीएच को और केबल ऑपरेटर को ये डीडी फ्री डिश के जो 24 चैनल्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो दिखाना बहुत ही अनिवार्य है। अगर वो अपने डीटीएच के ऊपर या अपने केबल ऑपरेटर्स के द्वारा वो चैनल नहीं प्रसारित करता है, तो उसके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हमारी ट्राई के नियम को भी ये मान लीजिए धज्जिया उड़ा रहा है। जैसे कि ट्राई ने हमें एक स्वतंत्रता प्रदान की थी कि कस्टमर्स है अपने इच्छा अनुसार जो भी चैनल को देखना चाहे वो चैनल अपने सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन जो ये सरकार का नया आदेश हमारा आ गया है, यानी कि इस आदेश के अनुसार जो 24 चैनल है ये हमारे डीडी फ्री डिश के जो भी दिखाए जा रहे हैं, वो सभी डीटीएच को दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। और अगर कोई डीटीएच इसके पालना नहीं करता है, नियमों को पालन नहीं करता है, तो उसके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप खुद ही देख लीजिए, जो सूचना और प्रसारण मंत्री हमारे, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप खुद ही देख लीजिए उन्होंने क्या बताया। अनेक केबल चालक, एमएस ऑपरेटर्स और कुछ डीटीएच प्लेटफॉर्म्स भी कानून के अनुसार जो दिखाना बाध्यकारी है वो डीडी के सारे 24 चैनल नहीं दिखाते हैं, और इसलिए हमने सभी ऑपरेटर्स को पत्र लिखा है कि ये मैंडेटरी है और उनसे एफिडेविट मांगा है कि उन्होंने ये दिखाना प्रारंभ किया है। हम इसकी सख्ती से अमल करेंगे, क्योंकि ये कानून का हिस्सा तो है। तो देखा दोस्तों, जो डीडी फ्री डिश के तरफ से जो नया ही एक ऐलान निकल के आया, जो हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि जो डीडी फ्री डिश के जो 24 चैनल्स हैं वो सभी डीटीएच के ऊपर हमारे प्रसारित किए जाएंगे और हमारी केबल के ऊपर भी प्रसारित किए जाएंगे। यानी कि एक ट्राई का जो नियम हमारा था, जो जिसके कस्टमर्स को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी कि वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी चैनल को सिलेक्ट करके अपना एक्सेस कर सकता है, लेकिन अब सरकार के इस नए नियम आने के बाद में तो ये मान लीजिए जो 24 चैनल है ये जबरदस्ती सबके ऊपर थोपे जा रहे, और इन 24 चैनल का कहीं ना कहीं उपभोक्ता मासिक शुल्क ₹20 चुका रहा है। यानी कि जो एनसीएफ जो चार्जेस है वो 20 चैनल का जो है ₹20 वो मासिक ये कहीं ना कहीं 24 चैनल का उसको देना पड़ रहा है। तो ये उपभोक्ता के ऊपर ये मान लीजिए उसका भार बढ़ गया है, उसकी जेब के ऊपर ये मान लीजिए ₹20 का एक्स्ट्रा चार्जेस हमारा बढ़ गया है। जो कि अगर आप चाहते हो कि ये जो सरकार का जो नया नियम है जो कि 24 चैनल दिखाना हमारा अनिवार्य किया गया है, अगर आप इसके प्रति किसी प्रकार की सख्त से सख्त आवाज उठाना चाहते हो, तो दोस्तों झट से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को पता लग सके कि जो सरकार का जो नया रूल आया है वो ट्राई के रूल के भी मान लीजिए विरुद्ध है, और ट्राई के रूल को भी मानने से वो इनकार कर रहा है, जबकि ट्राई ने सभी स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी कि सभी चैनल अपनी सुविधा के अनुसार एक्सेस कर सकते हैं, एनसीएफ चार्जेस में जो भी चैनल वो एक्सेस करना चाहे। लेकिन जो सरकार का जो नया नियम आया है उसके बाद में ये 24 चैनल तो ये मान लीजिए उनको दिखाया जाना ही कंपलसरी कर दिया है। अगर वो इस प्रकार से नहीं दिखाते अपने डीटीएच के ऊपर या अपने केबल के ऊपर, तो उनके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों यही एक छोटा सा लीक्स निकल गया, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा
तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को पता लग सके जो सरकार का नया नियम लागू है उसके अंदर जो 24 चैनल है उसका शुल्क हमें कहीं ना कहीं 20 रुपए में चुकाना होगा और उसका मासिक भार हमारे जेब के ऊपर हमारा बढ़ने वाला है। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो नीचे जो रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ साथ में बेल अलर्ट को भी एक्टिवेट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप बेल अलर्ट एक्टिवेट करोगे तो जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका इंटीमेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे।